हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। आज पढ़ेंगे बेटा हम मैट्रिक्स या आव्यूह का गुणनफल। पिछली वीडियो में हम आव्यूह के गुणनफल के बारे में, आव्यूह के एडिशन के बारे में, आव्यूह के सब्स्ट्रक्शन अर्थात आव्यूह का योग, उनका व्यवकलन, उनका गुणनफल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो एक्सरसाइज 3.2 के शायद तीन सवाल कर चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की एक्सरसाइज। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। पहला आव्यूह है 1, 2, -3, 5, 0, 2, 1, -1, 1। ये ए आव्यूह है। दूसरा आव्यूह दे रखा है बी। तीसरा आव्यूह दे रखा है सी। तीन आव्यूह दे रखे हैं जिनकी कोटि सबकी समान है। इनकी कोटि है 3 × 3, इसकी कोटि भी है 3 × 3 और इसकी भी है 3 × 3। तीनों कोटि समान है। अब हमें ज्ञात करना बेटा a प्लस b और b माइनस c। तो सबसे पहले a प्लस b ज्ञात करना है और b माइनस सी ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट में और है तो फर्स्ट पहले इसको सॉल्व करते हैं a प्लस बी। तो a आप भी लिख देंगे 1, 2, -3, 5, 0, 2, 1, -1, 1 प्लस बी आव्यूह आ जाएगा 3, -1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3। ठीक है, क्या करना बेटा, एडिशन है यानी योग करना है। योग की शर्त आप जानते हो कि दोनों आव्यूह की कोटि क्या होनी चाहिए, समान। देखो इसमें तीन पंक्ति तीन स्तंभ में, इसमें भी तीन पंक्ति तीन स्तंभ में, कोटि समान है, अतः इनका योग किया जा सकता है। अब योग करते हैं, जब क्या करते हैं बेटा, संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो संगत अवयव देखो, इसका ए 11 इसके ए 11 से जुड़ेगा, तो 1 + 3, फिर 2 - 1, इधर का हो गया माइनस का 3 + 2, फिर 5 + 4, इधर हो जाएगा 0 + 2, फिर 2 + 5। इसी टाइप से तीसरी पंक्ति 1 + 2 - 1 + 0, 1 + 3। अब आप इसको कैलकुलेट कर दो तो ये हो गया बेटा 3 और 1 = 4, 2 में से 1 गया 1, -3 + 2 तो यह माइनस का 1 बच गया, ये 5 और 4 हो गए 9, ये हो गया बेटा 2 और ये हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3 और 1 = 4। ठीक है, तो ये हो गया 4, 1 - 1, 9, 2, 7, 3 - 1, 4, ये क्या आ गया बेटा आपका a प्लस बी। अब हमें नेक्स्ट इसी में सेकंड ज्ञात करना है एवं b - c। तो b - c, पहले b को लिख दो 3 - 1 - 2, 4 - 2, 5 - 2, 0, 3 माइनस। अब c क्या है, ये रहा 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, -2, 3। क्या करना बेटा, हमें सब्स्ट्रक्शन यानी कि व्यवकलन करना है, घटाना है इनको। तो संगत अवयव में से संगत दूसरा अवयव घट जाएगा, यानी कि ए 11 में से ए 11, ए 12 में से ए 12, इसी टाइप से जो संगत अवयव है वही आपस में सब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ हो गया बेटा 3, ये माइनस का है तो माइनस का 4, यहाँ -1 है और ये माइनस का 1, 2 - 2, 4 - 0, 2 में से 3, तो 2 - 3, 5 में से 2, तो 5 - 2, इधर बेटा 2 में से 1, 0, 0 में से क्या घटाएंगे, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए प्लस, तो ये +2 हो गया, इधर 3 - 3। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर दो तो ये हो जाएगा -1 - 2, ये 0 हो गया बेटा, ये आपस में कट गए, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 1 हो गया -1, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 0। तो ये आपका आ गया b - c। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, फर्स्ट जिसमें a प्लस बी और b माइनस सी हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है बेटा, अब इसी का सेकंड पार्ट और है,
सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू है ए प्लस बी माइनस सी। ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों भाग क्या हैं, बराबर हैं। तो LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। तो देखो बेटा A LHS लेके चलते हैं यहाँ से LHS, तो LHS में A प्लस बी माइनस सी, तो A आप लिख देंगे एक दो माइनस तीन पाँच जीरो दो एक माइनस एक एक प्लस b माइनस सी हम पहले से निकाल चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में, अभी इससे पहले पिछले क्वेश्चन में हमें b माइनस सी की वैल्यू निकाली थी, तो उसी में से देख के यहाँ b माइनस सी लिख देंगे बेटा। तो b माइनस सी आया था आपका एक माइनस दो जीरो माइनस एक और b माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस के दो और जीरो, फिर चार माइनस का एक तीन, फिर एक दो और जीरो, ये आ गया आपका b माइनस सी। यह आ गया, अब कैलकुलेट कर दो, दोनों आव्यूह की कोटि समान है अतः इनका योग किया जा सकता है। तो यह आ जाएगा बेटा एक का इससे ऐड किया जीरो, दो को इससे ऐड करेंगे ये जीरो जाएगा, ये जाएगा बेटा माइनस का तीन, इधर पांच और चार जोड़ा नौ आ गया, जीरो में माइनस एक किया तो माइनस का एक, दो में तीन जोड़ेंगे बेटा पांच आ जाएगा, एक के साथ एक ऐड किया दो हो गया, माइनस एक के साथ ये करेंगे तो प्लस का एक बच जाएगा, एक के साथ जीरो ऐड करेंगे तो एक आ गया। ये आ गया आपका ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब RHS a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी ये भी हम पहले निकाल चुके हैं, तो a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी का हम पिछले क्वेश्चन में मान निकाला है तो वहीं से मान उठा लेंगे बेटा। तो a प्लस बी चार एक माइनस एक नौ दो सात तीन माइनस एक चार, ये वैल्यू आ गई ए प्लस बी की, ठीक है। सिंपल जोड़ दिया है ए और बी को। अब माइनस का सी, सी आप रख दो चार एक दो जीरो तीन दो एक माइनस दो तीन, सीधा सब्सट्रैक्शन करना बेटा, समान कोटि है घटाया जा सकता है आसानी से, चार में से चार घटाएंगे जीरो, एक में से ये एक घटाया जीरो, माइनस एक में से ये घटाएंगे बेटा तो ये माइनस का दो जाएगा और ये माइनस का, तो माइनस माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगी तो माइनस का तीन, नौ में से जीरो घटाया बेटा नौ बच गया, दो में से तीन घटाएंगे माइनस का एक बच जाएगा, सात में से दो घटाएंगे पाँच बच जाएगा, तीन में से एक घटाया दो बच गया, माइनस एक और ये माइनस के प्लस हो जाएगा तो एक आ गया, चार में से तीन घटाए एक आ गया, तो ये आपका आ गया। अब देखो LHS बराबर RHS, यही हमें प्रूफ करना था कि LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर आपका कंप्लीट हो गया, इसमें हमें सिद्ध करना था कि a ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी इक्वल टू होता है a प्लस बी माइनस के c के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँच। अब देखो क्वेश्चन नंबर पाँच है, a आव्यूह दे रखा है b आव्यूह दे रखा है, हमें ज्ञात करना बेटा तीन a माइनस के पाँच b, ये हमें ज्ञात करना है तीन ए माइनस पांच बी। अब तीन अचर अदिश राशि है, पांच भी अदिश राशि है, तो इनका क्या है अदिश गुणन है, पहले तीन का ए के साथ मल्ट गुणा करना है, फिर पांच का बी के साथ गुणा करना है और उनको आपस में क्या करना है व्यवकलन घटाना है। तो सबसे पहले देखो बेटा तीन ए, इसका मतलब है तीन का इंटू करना है, पूरा लिख देते हैं पांच बी, तो तीन ए आप लिख देंगे दो बटे तीन एक, पांच बटे तीन एक बटे तीन दो बटे तीन चार बटे तीन सात बटे तीन दो बटे तीन, ये हो गया माइनस का पाँच।
अब 5 का इंटू कर देंगे किससे, बी आवयु के साथ, तो 2 बटे 5, 3 बटे 5, 1, 1 बटे 5, 2 बटे 5, 4 बटे 5, 7 बटे 5, 6 बटे 5, 2 बटे 5, और ये बंद। 3 का गुणा है किससे, पूरे आवयु से, इसका मतलब है प्रत्येक अवयव से। 5 का गुणन किससे है, पूरे अवयव से, इसका मतलब प्रत्येक अवयव से हमें इसका क्या करना है, इंटू। जब 3 का इंटू करेंगे बेटा तो ये आपको प्राप्त होगा 2, 3 से 3 कट गया, 1 का इससे इंटू करेंगे तो 3, इससे इंटू किया 5, यहां किया 3, सॉरी 1 2 4, इससे इंटू करेंगे 3 से 3, नीचे वाले पद तो कट जाएगा, ऊपर वाला पद बच जाएगा, अंश 7, 3 6, और ये हो जाएगा 2। माइनस इसका इंटू करेंगे बेटा 5 का, तो ये हो जाएगा 2 3 1, इससे किया 1, ये 2 और ये 4, इधर करेंगे 7, ये 6 और ये, सॉरी इसका 5 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बेटा अदिश राशि का अंदर इंटू करने पर। अब सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्शन के लिए कोटि समान होनी चाहिए, तो दोनों की कोटि समान है बेटा, आसानी से माइनस किया जा सकता है। तो 2 में से 2 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। या हम सीधा सीधा भी कह सकते हैं, ये आवयु समान है, ये आपस में पूरे कट जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, शून्य आ गया। अब यदि सभी अवयव शून्य हो तो उस आवयु को क्या बोलते हैं, शून्य आवयु, तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य, ठीक है। तो ये शून्य आवयु हो गया। तो 3a माइनस 5b हमने ज्ञात करना था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 का इंटू किया आवयु a के साथ, 5 का इंटू किया आवयु b के साथ, और इंटू करने पर जो नीचे का हर था, ठीक है, डिनोमिनेटर था, वो कट गया, ऊपर क्या बच गया, सिर्फ अंश बच गया, और इधर भी अंश बच गया, दोनों में सीधा सीधा माइनस वाला फॉर्मूला लगाया और सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको क्या करना बेटा, हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सबसे पहले भी देखो कॉस का इंटू करेंगे इसके साथ, साइन का इंटू करेंगे इस अवयव के साथ। जब कॉस का इंटू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके प्रत्येक अवयव के साथ उसका इंटू करेंगे, तो कॉस का कॉस के साथ किया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का साइन के साथ करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, फिर नीचे आ जाओ माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, इधर कॉस का इसके साथ किया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका, इधर प्लस इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका किया बेटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, इधर किया बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, इसका किया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बीच में प्लस का चिन्ह है, दोनों आवयु को क्या करना है, एडिशन यानी योग करना है। योग के लिए शर्त क्या थी कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, देखो दोनों की कोटि समान है, वर्ग आवयु है, तो वर्ग आवयु में योग किया जा सकता है, तो संगत अवयव को हमें ऐड करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 11 का 11 के साथ ऐड कर दिया, इसको इसके साथ कर देंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इधर बेटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये प्लस कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखो बेटा ये कॉस थीटा साइन थीटा इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बच गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, तो इसलिए इसके स्थान पर क्या रखा जा सकता है, 1, तो 1 रख दिया, इधर 0, ये 0 और ये 1, तो ये आ गया आपका हल करने पर। और इसे क्या बोलते हैं, इकाई आवयु, तत्समक आवयु, तो कई बार इसे हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप यहां छोड़ दो या यहां पर, ठीक है बेटा। तो ये आई एक तरह से हमें प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। हमें बेटा x और y ज्ञात करना है, आपको दे रखा है x
प्लस वाई इक्वल टू एक आव्यूह दे रखा है, ठीक है बेटा, x प्लस वाई एक आव्यूह है 7025, तो 7025 इसे हमें का नंबर मान लो एक। दूसरा फिर दे रखा बेटा x माइनस वाई इक्वल टू, ये भी एक आव्यूह दे रखा है 30, ये आ गया, इसे मान लो समीकरण नंबर दो। तो जैसे हम नॉर्मल समीकरण को हल करते हैं सेम उसी टाइप से x प्लस वाई इक्वल टू एक आव्यूह दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू एक आव्यूह दे रखा है। अब यहाँ पर x और y क्या है, दो आव्यूह है, इसका मतलब है x और y हमें दो आव्यूह ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर जोड़ेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 7025, फिर है x माइनस वाई इक्वल टू 3003, ये कट गए 2x इक्वल टू 7025, एक आ भी हो गया प्लस 3003, ये हो गया। अब आपने इसको ऐड करना है 2x 7310 जीरो, जी हो गया 2 और ये हो जाएगा 5 और 3 8, ठीक है बेटा। अब ये किसकी वन वैल्यू आई है 2x की, हमें निकालना है x, तो x इक्वल टू 1/2 10 0 2 8। अब 1/2 का क्या इससे पूरे से गुणन है, तो गुणन का मतलब है कि प्रत्येक अवयव के साथ गुणन है, तो हम कह सकते हैं 2 का हम क्या है प्रत्येक अवयव में भाग लगेगा, तो इसका भाग देने पर ये हो जाएगा 5 0 1 और ये 4, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा x की, ये हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद इधर कर देते हैं, अब पहले हमने क्या किया था बेटा ऐड किया था, अब दो तरीके, या तो दोबारा से समीकरण एक में से दो को घटाने पर इस बार क्या आ जाएगा y प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो x का मान समीकरण एक में रख दो, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x की जगह पर हम लिख सकते हैं बेटा 5014 प्लस y, ये आ जाएगा 7025। इसको उधर ले जाओ पक्षांतरण, जैसे नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं समीकरण उसी टाइप से, तो 7025 ये आप भी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया बेटा 5014। सबस्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 5 गए 2, 0 में से गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गए 1, तो ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा y की, यही हमें ज्ञात करना था। x और y के मान पूछे थे तो x y के मान कैलकुलेट कर दिए, इसी ये फर्स्ट था इसमें बेटा, इसका सेकंड और है इसी टाइप से, तो सेकंड आप स्वयं कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, तो सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू, और इधर 3x प्लस 2y इक्वल टू, आव्यूह है 2340 2340, नीचे वाला आव्यूह है 2 - 2 - 1 5, ठीक है बेटा। कैसे सॉल्व करोगे, एक विलोपन विधि द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे विलोपन विधि में गुणांकों को क्या करते हैं इक्वल करते हैं, तो इसमें 3 का इंटू कर देना, इसमें 2 का इंटू कर देंगे, जब 3 का और 2 का इंटू करेंगे तो ये बेटा एक गुणांक कोई ना कोई बराबर हो जाएगा, जब एक बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे बेटा उसको सब्सट्रैक्ट करके या एडिशन करके काट देना, दूसरी वैल्यू आ जाएगी उसको सॉल्व कर लेना, और जब एक एक्स का मान आ जाए तो वाई में रख देना, वाई का मान आ जाए तो एक्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक अगर मान प्राप्त हो जाता है तो उसकी सहायता से दूसरा मान ज्ञात कर सकते हैं, तो ओवरऑल इसमें विलोपन विधि यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर आठ भी बेटा सेम इसी टाइप का है, इसमें y आव्यूह आपको दे रखा है, ठीक है,
और फिर x की वैल्यू पूछी है, अर्थात x का मान हमें x वैल्यू फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो y दे रखा है 3, 2, 1, 4। तो y वैल्यू है 3, 2, 1, 4 और ज्ञात क्या करना है हमें x, 2x + y = दे रखा है 2x + y = ये वैल्यू दिया गया है 1, 0, 2 ठीक है। वाई आव्यू दे रखा है, इस समीकरण के अनुसार हमें x निकालना है ठीक है। वाई का मान इसमें रख दो x आ जाएगा, इसे समीकरण नंबर मान लो 1, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा बेटा 2x + 3, 2, 1, 4, 1, 0, -3, 2 पक्षांतरण कर दो तो 2x (1, 0, -3, 2, -3, 2, 1, 4 तो ये सब्स्ट्रैक्ट कर दो, माइनस किया जा सकता है तो 1 में से -3 तो ये माइनस का 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा बेटा -2, -3 और ये -1, -4, 2 ये -2 और ये किसकी वैल्यू आई है 2x की। हमें क्या निकालना है x, तो 1/2 -2, -2, -4, -2 का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा -1, -1, -2, -1 तो ये मान आ गया हमारा x का, यही हमें फाइंड आउट करना था। 9 क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटा आव्यू दे रखा है आपको 1, 3, 0 x + y 0 + y 0 = ये दे रखा है 5, 6, 1, 8 हमें बेटा x और y की वैल्यू निकालनी है ठीक है। इसमें x y क्या है अवयव है और पहले x y क्या था पिछले क्वेश्चन में आव्यू थे, तो यहां x y अवयव है तो इसके अनुसार बेटा हमें x और y कैलकुलेट करना है तो इसमें 2 का इंटू कर दो अंदर तो ये जाएगा 2, 6, 0, 2x प्लस ये हो गया y 0 1 2 = 5, 6, 1, 8 ठीक है। समान कोटि के आव्यूह हैं, बीच में प्लस है, हमें क्या करना है ऐड करना है तो 2 ये हो जाएगा 2 + y इधर हो गया बेटा 6 में 0 जोड़ेंगे 6 इसमें जोड़ेंगे बेटा 1 इधर 2x + 2 संगत अवयव ऐड कर दिए इधर दे रखा है 5, 6, 1, 8 ठीक है। अब देखो बेटा आपको पहले बताया था आव्यूह की समानता, यदि दो आव्यूह समान है ठीक है तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं समान, तो समानता के नियम से 2 + y = किसके बराबर होगा 5 के बराबर तो y = कितना हो गया 3 एवं 2x + 2 = किसके बराबर होगा 8 के बराबर ये वहां इसके अवयव होगा तो 2x = 6, x = 3 तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है बेटा एक आव्यूह है जिसका इंटू 2 से कर रखा है, एक दूसरा आव्यूह है जिसमें 3 का इंटू हो रहा है और इक्वल टू में दे रखा है बेटा एक आव्यूह जिसमें 3 का इंटू हो रहा है, हमें एक्स वाई जेड टी के मान ज्ञात करना है ठीक है। सेम क्वेश्चन 9th जैसा है, अज्ञात राशि एक्स वाई जेड टी हमें ये फाइंड आउट करनी है निकालनी है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 का इंटू करेंगे इससे, 3 का इंटू करेंगे इस आव्यूह से और 3 का इंटू करेंगे इस आव्यूह से ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x (2z) (2y) (2t) + 3 - 3 = 0 (3 × 6) = 3 9 5
तिया 15, 3 × 12 18, ये हो गया। ठीक है, दो आवयव बेटा समान कोटि है, बीच में प्लस है, इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों आवयव को ऐड करना है, जोड़ना है। तो ये दो आवयव बेटा दोनों को ऐड करना है, 2x + 3 संगत अवयव जुड़ेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2t + 6 = 9 15 12 18। ठीक है, आवयव की समानता वाले नियम से जब दो आवयव समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो बेटा 2x + 3 = किसके बराबर होगा, 9 के। 2x + 3 = 9, तो 2x ये 3 से इधर कम हो जाएगा, यहां हो गया 6, x = हो गया 3। सेम इसी टाइप से 2z - 3 = 15, 3 उधर जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, तो 2z हो जाएगा 18, तो z = 9। एक समीकरण बनेगा 2y = 12, तो y = 6 एवं 2t + 6 = 18, तो 2t = 6 अगर कम हो जाएंगे बेटा यहाँ बच गए 12, तो t = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 11, x एक आवयव दे रखा है प्लस y एक दूसरा आवयव दे रखा है आवयव है 2, 3 - 1, 1 और इधर है 10, 5। हमें x और y के मान याद करने बेटा, ठीक है, तो जैसे जानते ही हो x का इंटू किससे करेंगे, पूरे आवयव के से, y का आवयव इंटू पूरे आवयव आवयव से, और बराबर में दे रखा है एक आवयव 10 और 5, तो इंटू कर देंगे बेटा 2x - y = 10, 5 ऐड कर दो 2x - y 3x + y इधर हो जाएगा बेटा 10, 5। दो आवयव समान है, संगत घटक भी समान होंगे, संगत अवयव, तो 2x - y = 10 संगत अवयव भी समान होंगे, तो 2x - y = 10 3x + y = 5 विलोपन विधि से दोनों को जोड़ कर दो, ये हट गया कट जाएंगे, तो 5x इधर हो गया 15, x = 3। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, तो समीकरण एक से तो ये हो जाएगा 2 × 3 - y = 10 6 - y = 10 तो ये तो माइनस वाई ये चला गया उधर, तो ये हो जाएगा -y 4, तो y = -4 तो y = कितना आ गया बेटा -4, x = आ गया 3। हमें x और y यही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा देखो क्या दे रखा है, 3 का इंटू है इस आवयव से और इक्वल टू में दो आवयव का योग दे रखा है हमें x, y, z और w के मान ज्ञात करने। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा ये बेटा, उसमें इस साइड में दो आवयव का योग था, इधर इक्वल टू में दे रखा था, यहां इक्वल टू में इस साइड में दो आवयव का योग दे रखा है, तो सेम पहले क्वेश्चन जैसे ही क्या करना बेटा, 3 का इंटू करेंगे 3x 3y 3z और 3w, ये हो गया। इधर बेटा समान कोटि है, आवयव को ऐड करना है, तो संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे x + 4
छ प्लस एक्स प्लस वाई, इधर हो जाएगा माइनस का एक प्लस जेड प्लस डब्लू, यहां हो जाएगा टू डब्लू प्लस थ्री। ठीक है बेटा, हमें एक्स ज्ञात करना है, वाई ज्ञात करना है और जेड डब्लू। तो देखो संगत अवयव, जब दो अवयव समान होते हैं तो संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। तो तीन एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस चार, एक्स को इधर ले आए, तीन एक्स माइनस एक्स इक्वल टू चार, दो एक्स इक्वल टू चार, तो एक्स बराबर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दो। इसी टाइप से बेटा इधर करेंगे तीन वाई इक्वल टू छ प्लस एक्स प्लस वाई, तो एक वाई इधर है, तीन वाई इधर है, यहां बच जाएगा टू वाई छ प्लस एक्स, एक्स का मान अभी निकाल चुके हैं दो, तो ये हो जाएगा टू वाई इक्वल टू छ प्लस दो, आठ हो गए, तो टू वाई इक्वल टू आठ, तो वाई इक्वल टू चार, वाई की वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखो बेटा तीन जेड एवं तीन जेड इक्वल टू माइनस एक प्लस जेड और प्लस डब्लू, तो सबसे पहले डब्लू का निकाल लेते हैं, तो तीन डब्लू इक्वल टू ये बेटा अवयव किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो दो डब्लू प्लस तीन। ठीक है, इधर तीन है इधर दो है, तो यहां एक डब्लू बच जाएगा और इधर हो गया तीन, तो डब्लू वैल्यू कितनी आ गई, तीन। अब तीन जेड ये अवयव किसके बराबर होगा, इसके बराबर, तो यहां पर रख दो तीन जेड इक्वल टू माइनस एक प्लस जेड प्लस डब्लू, हमें जेड निकालना है, इधर जेड है इधर तीन जेड है, तो दो जेड बच जाएंगे, कट जाएगा वो, तो माइनस एक, डब्लू की वैल्यू कितनी आई बेटा, तीन, तो प्लस का तीन, तो टू जेड इक्वल टू दो, तो जेड इक्वल टू एक, आपका मान आ गया जेड इक्वल टू एक। तो एक्स की वैल्यू आ गई दो, वाई की आ गई चार, डब्लू की हो गई तीन, जेड की हो गई एक, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 एक, ये एक आव्यू है तीन इंटू तीन कोटि का। ठीक है, एफ एक्स बराबर दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स और जीरो फिर जीरो जीरो एक। इसके बाद हमें सिद्ध करना बेटा एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू तो है, अब एफ वाई की वैल्यू, तो चूंकि देखो बेटा एफ वाई जब यहां एक्स था तो कॉस साइन के साथ क्या आ रहा था, एक्स, जब हम यहां वाई करेंगे तो यहां कॉस के साथ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, माइनस के वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 एक। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, जब एक्स लिया तो साइन कॉस के साथ क्या था, एक्स, जब वाई लिया तो यहां पर क्या हो गया, वाई। ठीक है, जब यहां एक्स था तो यहां एक्स आ रहा था, हमने वाई चेंज कर दिया तो यहां भी वाई चेंज कर दिया, तो फलन तो वही है। ठीक है, अब हमें बेटा इन दोनों का इनटू करना है, और इसी टाइप से एवं एफ एक्स प्लस वाई, ये भी बेटा जब हम प्रांत में एक्स प्लस वाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस के साइन एक्स प्लस वाई जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 एक। ये हमने मान निकाल लिए पहले से ही, एक्स तो है ही हमारे पास, वाई का मान निकाल लिया, एक्स प्लस वाई का भी ये निकाल लिया। ठीक है, क्या किया, जो प्रांत में कोष्टक के अंदर संख्या होती है वही अंदर संख्या आती है, तो जब यहां एक्स था तो यहां साइन कॉस के साथ क्या आ रहा था, कोण के रूप में एक्स, हमने यहां वाई कर दिया तो कोण के रूप में क्या जाएगा, वाई, यहां ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिख दिया तो कोण के रूप में क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो फलन के हिसाब से हमने अलग से दो फलन और बना लिए क्योंकि हमें इसमें जरूरत है। अब लिखेंगे एल एच एस, ये हमने मान निकाल लिए पहले से, अब एल एच एस एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एक्स का मान कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स, जीरो साइन एक्स, कॉस एक्स, जीरो 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 एक। इधर एफ वाई का मान रख दिया, कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई, कॉस वाई, जीरो 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 एक। ठीक है, अब इन दोनों का इंटू करना है, तो इंटू करेंगे पंक्ति स्तंभ। इंटू के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी कि शर्त क्या है कि पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्ति समान होनी चाहिए। स्तंभ कितने हैं इसमें? तीन। इसमें पंक्तियां कितनी है? तीन। गुणन संभव है तो गुणन करेंगे पंक्ति का स्तंभ से। तो कॉस का पहले इस पंक्ति से करेंगे, सॉरी इस पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। तो कॉस का किया कॉस एक्स, कॉस वाई माइनस साइन एक्स, साइन वाई, और फिर जीरो का किया जीरो से। इसी टाइप से फिर आगे करेंगे बेटा, कॉस एक्स का इससे किया माइनस साइन वाई, फिर इसका किया माइनस के साइन एक्स, कॉस वाई, फिर जीरो। ऐसे करेंगे बेटा तो इसका भी हो जाएगा जीरो के साथ जीरो, इसका जीरो और इसका जीरो, टोटल मिला के जीरो। इसका आएगा साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस का किया तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई और प्लस जीरो। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस के साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस जीरो और ये जीरो हो गया। तीसरी पंक्ति जीरो का करें जीरो, इसका किया जीरो, एक का किया जीरो, तो ओवरऑल जीरो। फिर ऐसी इसमें भी जीरो आ जाएगा, फिर जीरो का किया, इसका किया और एक, तो ओवरऑल बेटा ये आ गया आपका। ठीक है, इन दोनों का गुणन करने पर ये आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं ये बेटा सूत्र हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई प्लस का ये होता है साइन एक्स प्लस वाई, दूसरा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है सूत्र है ये कॉस एक्स प्लस वाई का। ये सूत्र एक्सरसाइज तीन में साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू होता है साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये सूत्र होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। इन सूत्रों से देखो बेटा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये सूत्र बन गया ये वाला। इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स वाई एक्स प्लस वाई, और ये देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो हम जब माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई वाला रूप। तो इसकी जगह पर आ जाएगा साइन, ठीक है, तो इसको यहां ऐसे लिख सकते हैं बेटा, पहला वाला तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये सूत्र बन जाएगा ये वाला। अब माइनस कॉमन ले लिया तो साइन एक्स प्लस वाई ये सूत्र में कन्वर्ट हो गया, उधर जीरो है ये ऑलरेडी, ये जीरो। इधर साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये वाला पूरा सूत्र बन गया साइन एक्स प्लस वाई। इसमें बेटा कॉस एक्स कॉस वाई, पहले इसको पढ़ो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये सूत्र है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका होता है? कॉस एक्स प्लस वाई का। तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, नीचे का जीरो जीरो एक। तो लेफ्ट साइड में आ गया बेटा आपके पास एल एच एस, गुणन करने पर ये आर एच एस, आर एच एस में दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई, तो एफ एक्स वाई इसका मान हम पहले निकाल चुके हैं एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई इसका तो मान हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहां पर सीधा मान रख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई माइनस के साइन एक्स प्लस वाई जीरो, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 एक।
ये आपका RHS आ गया। अब देखो LHS RHS बराबर है तो नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए फर्स्ट है इसमें बेटा दो आव्यूह रखे हैं उनका गुणन है और आपको दे रखा है कि इट्स नॉट इक्वल टू, ये दूसरे दो आव्यूह हैं इनका गुणनफल बराबर नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो सिद्ध करना है 5 - 1 = 6 - 7, दूसरा आव्यूह है 2 - 1 = 3 - 4 नॉट इक्वल टू है 2 - 1 = 3 - 4 2 - 1 = 3 - 4 - 5 - 1 = 6 - 7। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल नॉट इक्वल टू इन दोनों के गुणनफल के है। देखो बेटा 5 - 1 - 5 - 1 = 6 - 7 ये पहले दे रखा है इसमें पीछे दे दिया, इसका मतलब है कि ये एक तरह का आव्यूह बन गया ए और ये बी और इधर उल्टा कर दिया बी ए, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। मैंने आपको बताया था कि गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन सामान्यतः नहीं होता है, तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो LHS लिखेंगे पहले, तो 5 - 1 = 6 - 7 इंटू 2 - 1 = 3 - 4। ठीक है, इनका गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5 × 2 से करेंगे प्लस माइनस 1, फिर 5 × 1 - 1 - 4 नीचे जाएगा 6 × 2 + 7 × 3 6 × 1 + 7 × 4। ठीक है, तो अब सॉल्व कर दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 5 × 2 = 10 हो गया माइनस के 3, 5 = 5 - 4 6 × 2 = 12 + 7 = 21 इधर हो जाएगा 6 × 6 = 7 - 4 = 28। तो ओवरऑल बेटा ये आ गया आपका 7, 1, 12 और 21 - 33 ये हो जाएगा 28 और 6 = 34 ये आ गया आपका LHS। अब RHS, RHS में देखो 2 - 1 - 3 - 4 इंटू 5 - 1 - 6 - 7 इनका इंटू करेंगे तो 2 का सबसे पहले 2 का इंटू 5 से किया पहली पंक्ति पहला स्तंभ प्लस 1 × 6 करेंगे फिर 2 का इससे किया 2 - -1 और 1 का इंटू 7 से करेंगे प्लस 1 × 7 फिर 3 × 5 + 4 × 6 3 - -1 + 4 × 7 यह आ जाएगा बेटा सॉल्व कर दो 5 × 10 + 6 - 2 + 7 - 5 = 15 + 6 = 24 - 3 = 28 सॉल्व करेंगे बेटा जो देखो क्या प्राप्त हो रहा है 16 यहाँ प्राप्त हो गया 5 यहाँ हो गया बेटा 5 × 9 = 39 यहाँ हो गया 28 - 3 = 25। तो LHS RHS के बराबर नहीं है, यही हमें सिद्ध करना था LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, कि दो आव्यूह का गुणनफल उनका क्रम बदलने पर क्या होता है असमान हो जाता है। ठीक है, इसी टाइप से इसका सेकंड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा आप उसे स्वयं कर लेना, बाएं पक्ष में दोनों का गुणन है नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। ठीक है, जैसे हमने इसको किया है इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 1 - 2 - 3 - 2 - 3 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0
इंटू माइनस एक एक जीरो माइनस एक एक जीरो जीरो माइनस एक एक दो तीन चार दो तीन चार इज नॉट इक्वल टू उल्टा कर दिया माइनस एक एक जीरो जीरो माइनस एक एक दो तीन चार एक दो तीन जीरो एक जीरो एक एक जीरो इन का गुणनफल इसके नॉट इक्वल टू है बराबर नहीं है। देखो ये अब यू ए मान लेते हैं इसको तो ये ए है और यहाँ ए पीछे कर दिया यहाँ इसको मान लेते हैं बी तो इसको बी पहले कर दिया तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए वाला प्रूफ बन रहा है ये तो इसे आप प्रूफ कर सकते हो इन दोनों का गुणन करना और फिर इन दोनों का गुणन कर देना दोनों बराबर नहीं आएगा बस ये हमें सिद्ध करना था एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 ए आव्यू दे रखा है आपको ए है 201213 201213 एक माइनस एक जीरो एक माइनस एक जीरो। अब देखो बेटा ए आव्यू दे रखा है अब इसके हेल्प से या ए की सहायता से हमें ज्ञात करना है माइनस के पांच ए माइनस पांच ए प्लस आई इसका हमें मान ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस का पांच ए प्लस आई आई क्या होता है तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। अब इसको हल करना है तो देखो बेटा ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि ए का दो बार इंटू तो दो जीरो एक दो एक तीन एक माइनस एक जीरो इंटू में दो जीरो एक दो एक तीन एक माइनस एक जीरो ये हो गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस का पांच ए का इंटू है पांच से तो दो जीरो एक दो एक तीन एक माइनस एक जीरो और फिर है आई एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक ठीक है ये इसके साथ तो ए की वैल्यू लिख दी बेटा ए स्क्वायर हो गया ये पांच ए हो गया और आई आई क्या है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह हम जानते हैं जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो और अन्य अवयव क्या हो शून्य उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। अब ये इसके हिसाब से मान रख दिए अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है बेटा देखो इसका तो इंटू हो जाएगा पांच से मल्टीपल कर देंगे अंदर आव्यूह का और फिर उसके बाद क्या करना है तीनों आव्यूह को ऐड करना है और सब्सट्रैक्शन करना है। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो दो का इंटू किया दो से चार जीरो का किया दो से जीरो एक का किया एक से प्लस एक ठीक। अब आ जाओ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दो का जीरो से किया जीरो जीरो का एक से किया जीरो एक का माइनस एक से करेंगे माइनस एक। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ दो का एक से किया दो जीरो का तीन से किया जीरो एक का जीरो से किया जीरो। फिर नीचे आ जाओ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दो का दो से करेंगे चार एक का दो से किया दो तीन का एक से किया तीन दो का जीरो से किया जीरो एक का एक से किया एक तीन का माइनस से किया तो माइनस के तीन दो का एक से किया दो एक का तीन से किया तीन तीन का जीरो से करेंगे जीरो एक का दो से करेंगे दो माइनस के दो सॉरी हाँ माइनस एक का इसे किया माइनस दो और फिर जीरो का किया तो जीरो एक का जीरो से किया जीरो माइनस एक का एक से किया माइनस एक जीरो का इससे किया तो जीरो फिर एक का एक से किया एक माइनस एक का तीन से किया माइनस के तीन जीरो का इससे किया जीरो ये आ गया आपका गुणन। इधर पाँच का अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा दस जीरो पाँच इससे किया दस पाँच पंद्रह पाँच माइनस पाँच जीरो इधर एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक आ गया। अब एड सॉल्व कर दो इसको ये हो जाएगा पाँच माइनस एक
दो, तीन दो पाँच और चार नौ, ये हो जाएगा माइनस के दो, ये हो जाएगा पाँच, ये बेटा कट गया आपस में जीरो, यहाँ हो गया माइनस एक, यहाँ हो गया माइनस का दो, दस जीरो पाँच, दस पाँच पंद्रह, पाँच माइनस पाँच जीरो, प्लस एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक, ये आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा सबकी कोटियां समान है तो ये इससे माइनस होगा और ये उसमें जुड़ेगा, तो सभी अवयव को लिख देते हैं संगत अवयव, तो सबसे पहले पाँच है, फिर माइनस का दस है, और उधर क्या है प्लस का एक, इधर माइनस का एक, दूसरा क्या है माइनस जीरो, ठीक है, दूसरा अवयव हो गया माइनस एक, दूसरा इसका लिया जीरो और इसका लेंगे तो प्लस जीरो, दो माइनस का पाँच और इसका जीरो, फिर नौ माइनस का दस माइनस दो, सॉरी इसका लिया जीरो, तीनों के अवयव लेने संगत अवयव, चिन्ह के हिसाब से जैसा चिन्ह है उसके हिसाब से चिन्ह लगा दो, तो माइनस का दो ये हो गया, इसका माइनस का पाँच हो गया, इसका प्लस का एक हो गया, अब आगे आ जाओ तो यहाँ पर बेटा पाँच, इसका हो गया माइनस का पंद्रह, इसका हो गया प्लस का जीरो, इधर जीरो माइनस के पाँच और इधर हो गया जीरो, माइनस एक, इसका माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका हो गया बेटा जीरो, माइनस के दो, इसका हो गया माइनस जीरो, इधर हो गया प्लस का एक, ये आ गया आपका। तो माइनस पाँच, पाँच और एक छः, छः में से दस गए तो माइनस के चार, इधर माइनस का एक, माइनस के तीन, यहाँ हो गया माइनस का एक, तो पाँच और दो सात, सात में से एक गया तो माइनस का छः, यहाँ बच गए माइनस के दस, यहाँ हो गया माइनस का पाँच, यहाँ हो गए चार प्लस के, यहाँ हो गया बेटा माइनस का एक, ये आ गया आपका इसका आंसर, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का 16 है, 16वां क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। ठीक है, इसमें हमने ए स्क्वायर किया, उसमें एक ही हो जाएगा बस। ठीक है, तो पहले आप इसको कंप्लीट करिए, इस क्वेश्चन में बेटा 6i है, यहाँ पर इसको 6i का लेना, 6i तो यहाँ पर 6 का इंटू हो जाएगा, जब 6 का इंटू करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा और यहाँ ये भी 6 हो जाएगा, सॉरी 6 का इंटू करेंगे तो ये 6, ये 6 और ये 6, इधर जहाँ जहाँ पर बेटा इधर हमने एक लिखा था वो 6 हो जाएगा, देखो 5 के साथ किया तो यहाँ 6 हो गया, बाकी तो सब जीरो ही है, यहाँ पर बीच में यहाँ एक 6 हो जाएगा और एक यहाँ पर 6 हो गया, तो ये बच गया बेटा 5, 6, 1 बच गया माइनस का, सॉरी हाँ 6 और 5 11, प्लस का एक बच जाएगा, माइनस एक हो गया, ये सारा ठीक है, ये हो गया यहाँ 5 और 2 7, तो ये माइनस का एक बच जाएगा, इधर ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 4, किसका बच जाएगा प्लस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ए दे रखा है आपको, ठीक है, ए है 102, एक जीरो दो, फिर है जीरो दो एक, जीरो दो एक, दो जीरो तीन, तीन। अब देखो बेटा ए अवयव दे रखा है, इस ए अवयव से हमें ज्ञात करना है ए क्यू, ए क्यू माइनस छः ए स्क्वायर, माइनस के छः ए स्क्वायर प्लस सात ए प्लस आई, ये हमें मान ज्ञात करना है, टू आई सॉरी, इसका मान ज्ञात करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ए स्क्वायर था वहां पर, यहाँ ए क्यू है, तो ए क्यू पहले अलग से ए का दो बार इंटू करना, फिर जो आ जाए उसमें एक बार और ए का इंटू करके ए क्यू का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ए स्क्वायर सेम उसी टाइप से 7a और 2i, ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए स्वयं सॉल्व करना,
ए क्यू माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो क्या दे रखा है बेटा आपको, ए एक आप दे रखा है ए 3 माइनस दो, ठीक है, आई 1001 और इसके बाद ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस के टू आई, के ए माइनस टू आई। तो के की वैल्यू निकालनी है बेटा यहां पर, के क्या है, अज्ञात राशि है, ये आपको इक्वेशन एक दे रखी है, ए का मान दे रखा है, आई दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस टू आई, ये इक्वेशन है, इसमें से अज्ञात राशि क्या है, अदिश राशि के, तो के फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर वैल्यू जमा दो इसमें, 3 माइनस दो 4 माइनस दो इंटू 3 माइनस दो 4 माइनस दो, ए स्क्वायर हो गया इधर के 3 माइनस दो 4 माइनस दो माइनस के 2 1001 वैल्यू सारी रख दी। अब सॉल्व करेंगे, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तीनम तीन 9, इसका इससे करेंगे माइनस 4 थी, अब 4 दुनिया 8, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 दुनिया 6, इसका इससे किया प्लस के 4, 4 थी 12, इसका इससे किया माइनस के 4 दुनिया 8, माइनस के 4 दुनिया 8, ये इससे करेंगे प्लस के 4 इक्वल टू के 3 के माइनस के 2 के 4 के 2 के माइनस के 2 0 0 2। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे बेटा, इसमें से हो जाएगा 1, ये सॉल्व किया ये हो गया माइनस के 2, यहाँ हो गया बेटा 4, यहाँ हो गया माइनस के 4 इक्वल टू इनको ऐड कर दो तो 3 के माइनस के 2 माइनस 2 के माइनस 0 4 के माइनस 0 माइनस 2 के माइनस 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है, कोई भी एक अवयव बराबर कर दो, क्योंकि जब कोटि समान है तो संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे, सॉरी दो अवयव अगर समान है तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, समान। तो 3 के माइनस 2 इक्वल टू क्या है, 1, तो 3 के इक्वल टू ये उधर जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 1। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, ए इक्वल टू आपको दे रखा है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, एंगल क्या है अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और ये 0, सिद्ध करना है आई प्लस ए, आई क्या होता है तत्समक आव्यूह, आप इसको लिख लो आई इक्वल टू 1001। ठीक है, और इधर है आई माइनस ए और उसका इंटू किससे है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इसके साथ। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में एक बोर्ड के में आ भी चुका है, लास्ट ईयर भी यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करना है, एलएचएस लेके चलेंगे पहले, तो आई प्लस ए, आई का मान 1001 प्लस ए का मान 0 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, एडिशन करेंगे बेटा 1 प्लस 0 तो क्या जाएगा, 1 0 में ये किया तो माइनस के 10 अल्फा बाई 2, इसमें ये जोड़ेंगे बेटा 10 अल्फा बाई 2, ये हो गया 1, ये आ गया आपका एलएचएस। ठीक है बेटा, क्या आ गया एलएचएस। अब आरएचएस, आरएचएस में आई माइनस ए, पहले इसको निकाल लेते हैं, 1001 माइनस 0 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0, ये आ गया। अब बेटा सब्सट्रैक्ट करना है, एक में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक 0 में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 अल्फा बाई 2, इधर 0 में से माइनस किया तो 10 अल्फा बाई 2 और इधर हो जाएगा 1,
ये आ गया आपका, इसका इंटू किसके साथ है, कॉस अल्फा के साथ, तो यहां पर लिख देंगे आई माइनस ए आव्यू है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आई माइनस ए हम पहले निकाल चुके हैं वन टेन अल्फा बाई टू माइनस का टेन अल्फा बाई टू और ये वन, सॉरी ये तो आई माइनस ए, तो आई माइनस ए ये आ गया, इसके साथ माइनस इसका इंटू करना है कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है बेटा ये आ गया। अब देखो बेटा ये कॉस और ये टेन, ये पूरा एंगल इसमें क्या है अल्फा है, यहां एंगल का हाफ है अल्फा बाई टू, तो दोनों का एंगल डिफरेंट है, तो हम क्या करें बेटा इन दोनों को एक सेम एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू और साइन अल्फा की, टेन के फॉर्मेट में ठीक है हम जानते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू टेन के फॉर्मेट में कॉस थीटा बराबर होता है वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। दूसरा है साइन अल्फा इक्वल टू टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस अल्फा बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये दो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के आधार पर हम कॉस और साइन को किस में बदल देंगे टेन में, ठीक है। जब ये टेन में आ जाएंगे तो हम इसका मल्टीपल आसानी से कर सकते हैं। अब देखो बेटा तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो ये आ जाएगा वन, फिर इधर हो गया टेन अल्फा बाई टू माइनस का टेन अल्फा बाई टू और वन इनटू में मान रख दिया बेटा, तो ये हो जाएगा वन माइनस अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। किसकी जगह रख दिया कॉस की जगह, इसी टाइप से माइनस साइन, तो साइन के स्थान पर क्या रखेंगे बेटा ये वाला फॉर्मूला, तो ये हो गया माइनस टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब नीचे आ जाओ, फिर नीचे क्या है बेटा साइन, तो साइन का फिर मान रख देंगे टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इधर आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो ये आपका आव्यू आ गया। तो साइन और कॉस को कन्वर्ट कर दिया टेन के फॉर्मेट में, ठीक है बेटा। अब हमें इनका इंटू करना है, देखो इंटू करने में यहां टेन के फॉर्मेट में है, दोनों टेन के फॉर्मेट में गलती हो सकती है, इसलिए कुछ देर के लिए टेन अल्फा बाई टू बराबर टी रखने पर थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फिर चेंज कर देंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। अब देखो इसका अगर मैं मान रखता हूं तो ये हो जाएगा वन टी माइनस टी एक, इधर हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर माइनस के टू टी वन प्लस टी स्क्वायर, इधर टू टी वन प्लस टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, इन दोनों का इनटू करना है, ठीक है। तो बजाय टेन के ये थोड़ा आसान पड़ेगा क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है टी है। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ जैसे हम गुणन करते हैं सेम उसी टाइप से, तो पहली पंक्ति का पहले से करेंगे एक का इससे किया बेटा, तो वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर आएगा, फिर टी का जब इससे करेंगे पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ से, तो एक का इससे होगा टी का इससे होगा, तो जब इससे किया तो ये हो जाएगा टू टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरे पे आ जाओ, एक का इंटू करेंगे माइनस के टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, फिर टी का इसके साथ करेंगे बेटा
तो टी का जब एक से किया तो टी, इससे किया तो टी क्यू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही माइनस, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस टी का इससे करेंगे तो माइनस के टी, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का टी क्यू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। हम जानते हैं अंश का अंश में ही करेंगे, एक का इससे तो टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, इससे गुणा कर दिया। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, एक का इससे करेंगे प्लस वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये आपका इनटू हो गया। ठीक है, एलसीएम लेना है क्योंकि अंश और हर है, तो देखो बेटा सब में वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर आ रहा है, तो एलसीएम लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ गया, सॉरी एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचा आपके पास वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर, इधर माइनस के टू टी प्लस टी माइनस टी क्यू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, नीचे इसमें भी वन प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ गया, माइनस का टी प्लस टी क्यू और प्लस टू टी, इधर बेटा टू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस का टी स्क्वायर और ये प्लस का, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा यहां पर वन प्लस टी स्क्वायर, नीचे क्या है वन प्लस टी स्क्वायर, इधर टू टी में से एक चला गया बेटा, काई का बचेगा माइनस का टी, टू टी माइनस का और एक टी प्लस का है, तो क्या बचेगा माइनस टी, और इधर भी टी क्यू है, तो माइनस टी पूरे में से कॉमन लिया जा सकता है, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, टू टी में से टी गया तो माइनस टी माइनस टी क्यू, क्या बचा हमारे पास माइनस टी माइनस टी क्यू, जब माइनस टी कॉमन आ जाएगा तो वन प्लस टी स्क्वायर रह जाएगा, इधर भी सेम इसी टाइप से माइनस का टी और इधर टू टी है, तो टी कॉमन ले लिया तो आपके पास बच गया वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ऐसे सेम इधर टू टी में से टू टी स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर गया तो क्या बच गया टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन नीचे वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये तो सीधा सीधा कट गया बेटा, इससे ये इससे कट गया, यहां ये इससे कट गया, क्या बचा आपके पास वन माइनस टी टी और वन ये आ गया। अब टी का मान रख दो, टी का पुनः मान रखने पर, तो जब पुनः मान रखेंगे तो यहां टी बराबर टेन अल्फा बाई टू रखने पर तो रखेंगे जब तो ये आ जाएगा आपका वन माइनस का टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू वन ये आ गया, और यही एलएचएस बराबर आरएचएस है। देखो एलएचएस में हमारे पास यही था वन माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू वन, यही आरएचएस में आ गया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ढंग से समझ लेना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई प्लस ए, सबसे पहले एलएचएस निकाला, आई एक आई आ व्यू है, ए दे रखा है, इन टू की एड किया तो ये आ गया आई माइनस ए, पहले ये निकाल लिया, इसके साथ इन टू किसका है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, अब ये इन टू करने पर ये स्थिति आ जाएगी, अब यहां टेन है यहां कॉस है, तो कॉस और साइन को टेन के रूप में एक सूत्र होता है, उस सूत्र द्वारा हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें टेन के फॉर्मेट में, अब टेन के फॉर्मेट आ गया, कुछ देर के लिए टेन अल्फा बाई टू को टी मान लिया सॉल्व करने के लिए, जिससे थोड़ी प्रोसेस आसान हो जाए, तो हमने यहां पर रख दिया टी, अब टी से ये बन गया वन माइनस टी स्क्वायर बटे वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी बटे वन प्लस टी स्क्वायर टू टी बटे वन प्लस टी स्क्वायर और ये वन माइनस टी स्क्वायर बटे वन प्लस टी स्क्वायर। अब इंटू करेंगे, इंटू जानते ही हो गुणन, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये बच जाएगा आपका, और टी का पुनः मान रखने पर ये आ गया, यही एलएचएस है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आगे क्वेश्चन है 19 से 22 तक, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं,
इन्हें क्लासरूम में करा देंगे। ठीक है, तो मेन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो 3.2 के वो सारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, आगे के जो भी क्वेश्चन हैं रेस्ट ऑफ क्वेश्चन 19 से लेकर 22 तक वो क्लासरूम में करवा देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर आएंगे बेटा, तब तक नमस्कार।